Hi, my name is Sakshi Agarwal. I'm 29 years old. I live in Vancouver, Canada. I work as an IT project manager, and I'm very excited to share my weight loss journey with you. In total, I have lost almost 31 kgs. I used to be 103 kgs and now I'm 72. It did take me almost 3 years, and it's still a journey that I'm going through. When I moved to Canada, I was a student and I used to work part-time jobs, jaise ki sab log karte hain. So I took a job at a fast food joint and raat ki shift karti thi. Subah jab shift khatam ho jati thi, to I will grab cookies ya fir sandwich le liya ya milkshake le liya. लेके यूनिवर्सिटी जाना है सीधा, फिर वहाँ से कोई लंच का भी प्लान नहीं होता है, कुछ भी उठा लिया ऑन द वे, सैंडविच या फिर से पिज्ज़ा ले लिया. सो बेसिकली 2 साल प्रॉपर स्लीप नहीं हुई, जंक फूड हुआ, एक्सरसाइज का तो कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि पढ़ाई और जॉब हो जाए वही बहुत है. तो ओवर 2 ईयर्स में मेरा ऑलमोस्ट 25 kgs वेट बढ़ गया. मैं पहले मोटी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो ये मेरे लिए शॉक भी था अपने आप को ऐसे देखना, अपने आप को ये फील कराना कि तुम इतने मोटे हो गए हो और तुम ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते. जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया गई आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ माय स्कूल, और मैंने हेयर कट करा लिया था. पहले जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी तो आई हैड लॉन्ग हेयर, और इंडिया जाते वक्त मैंने हेयर कट करा लिया, बहुत शॉर्ट हेयर करा लिए. एयरपोर्ट पे गई हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे सरकास्टिकली बोल रहे हैं कि हु आर यू, वी डोंट रिकॉग्नाइज यू, यू हैव बिकम सो फैट. तब मुझे सबसे पहले लगा कि सच में ही मैं एक डिफरेंट पर्सन लग रही हूँ, जैसा उन्होंने मुझे 2 साल पहले भेजा था, आई डोंट लुक द सेम. तो वो मेरे लिए चेंजिंग फैक्टर था कि माई पेरेंट्स वर ऑल्सो शॉक टू सी मी इन दिस वे. दैट्स वैन आई डिसाइडेड एट द एयरपोर्ट इट्सेल्फ कि ये वेट तो मुझे लूज करना ही है. सबसे पहला स्टेप मैंने ये किया कि अपना जो खाने का टाइम है वो फिक्स किया. सो फिक्सिंग दैट टाइम वॉज माई नंबर 1 थिंग. नंबर 2, येस आई स्टार्टेड कुकिंग एट होम. द थर्ड थिंग दैट आई डिड इनिशियली वॉज कि हर मील के बाद एक छोटी सी वॉक कर लो ताकि वो फूड डाइजेस्ट हो जाए. फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने स्टेप अप किया. अब मैं स्टेयर्स कर रही थी क्योंकि 15th फ्लोर पे रहती थी, 15th फ्लोर के स्टेयर्स एकदम नहीं हो रहे थे मेरे से. तो इनिशियली आई स्टार्टेड के 3 to 4 फ्लोर्स के स्टेयर्स ले लो, उसके बाद एलिवेटर ले लो. धीरे धीरे फिर मैंने साइकिल खरीद ली, यहाँ पे सब लोग साइकिल चलाते हैं, तो आई ट्राइड कि मैं ऑफिस साइकिल से चली जाऊँ. सिर्फ ये बेसिक स्टेप्स से, घर पे खाना खाने से और फिक्स टाइम पे खाना खाने से और बेसिक कार्डियो एक्सरसाइज करने से ही मेरा ऑलमोस्ट 5 to 6 kgs 6 महीने में ही कम हो गया. फिर मुझे और मोटिवेशन आने लगा कि मुझे इसको कंटिन्यू तो करना ही है लेकिन और चीज़ें भी ऐड करनी है. धीरे धीरे आई स्टार्टेड गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स टू द बीच, तो कभी कोई गेम खेल लिया, बैडमिंटन का शौक था वो कर लिया. डाइट्स में लेकिन मैंने ये लर्न किया अपनी खुद की जर्नी से कि सस्टेनेबल नहीं है. ऑन द अदर साइड एक्सरसाइज को भी बढ़ाया मैंने. आफ्टर बेसिक कार्डियो 1 साल किया, उसके बाद मैंने योगा ऐड किया धीरे धीरे. सो अब मेरा वर्कआउट रिजीम है कि मैं 3 डेज जिम जाती हूँ वीक में फॉर श्योर, हो सकता है तो 5 डेज भी जाती हूँ, और उसमें मिक्स ऑफ हाई इंटेंसिटी और वेट लिफ्टिंग करूँगी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे फोकस करके, कभी अपर बॉडी, कभी लोअर बॉडी, कभी फुल बॉडी सर्किट भी करती हूँ. और अगर 3 डेज जिम जाऊंगी तो दूसरे 2 दिन कभी डांस कर लिया या फिर कोई घर में मेरी फ्रेंड जो रहती है उसके साथ योगा कर लिया. सो बेसिकली 5 डेज इन अ वीक वर्कआउट करना ही है. द गुड थिंग इज़ कि इट हैज़ बिकम माई लाइफ स्टाइल. मेरा गोल हमेशा ये होता था कि फाइंड समथिंग दैट इज़ सस्टेनेबल, फूड एंड एक्सरसाइज दोनों में. तो नाउ फाइनली आफ्टर लाइक 2-3 ईयर्स ऑफ ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, लाइक ट्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स, ट्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, आई हैव कंक्लूडेड कि मेरी बॉडी के लिए 2 मील्स इन अ डे विद हाई प्रोटीन एंड लेस कार्ब्स एंड लेस फैट इज़ वर्किंग वेल. लेकिन अलॉन्ग साइड एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एक्सरसाइज. So in my current diet, what I do is ki when I wake up in the morning, so I'll start my day with a glass of water and then I'll do coffee right after.
उसके बाद आई डोंट ईट एनी थिंग बट अराउंड 12 o'clock या फिर 1 o'clock डिपेंडिंग ऑन हाउ द डे इज गोइंग आई विल डू ब्रंच. ब्रंच में आई ट्राई टू डू प्रोटीन्स या तो एग्स से ले लिए या फिर दाल से या कभी छोले बनाए हुए हैं सो सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन एंड मे बी अ टोस्ट विद इट या फिर कोई कभी अगर बेसन का पूड़ा बनाया है तो वो एंड देन आई विल डू सम सॉर्ट ऑफ फैट ऑल्सो सो इधर हाफ एन एवोकाडो और सम सॉर्ट ऑफ चीज़ ऐड कर लिया. सो दिस इज प्रिटी बिग मील फॉर मी एंड आई विल be pretty full by till like 5 o'clock and then I will take another coffee and protein shake around that time. उसके बाद मैं जिम करने जाती हूँ around 6 o'clock के आसपास और आते ही 7:30 I will have dinner. उसमें भी same thing I will try to do more proteins. अगर दिन में दाल नहीं खाई है तो शाम को दाल खा ली, पनीर की कोई सब्ज़ी बना ली, रोटी का अगर मन है तो एक रोटी खा लेती हूँ, अगर नहीं मन है तो आई एम ओके ईटिंग जस्ट द सब्ज़ी एंड हैविंग योगर्ट विद इट. And उसके बाद आई विल डू अनदर प्रोटीन शेक सोने से पहले. समटाइम्स आई विल ऑल्सो डू इट इन द मॉर्निंग डिपेंडिंग ऑन इफ आई एम हंग्री. बट ओवरऑल डाइट में 2 meals जिसमें हाई प्रोटीन है और 2 shakes विच इज़ प्रोटीन शेक एंड 2 coffee और चाय इज माई करंट डाइट. आई थिंक येस इट्स हेल्दी बिकॉज आई हैव लॉस्ट वेट ग्रेजुअली. इट डिडंट हैपन ओवरनाइट फॉर मी. I've not gained that weight back again. I've never even gained weight in the last 3 years. I've always lost it or maintained it. I think I'm very happy about this journey because this has worked in my favor. I feel more energetic. I'm always active, ready to go out anytime because it's a long journey which I've done it in years and it's still on. Abhi khatam nahi hui hai kyunki it's an ongoing thing. It's a lifestyle. It ab loose ho gaya hai lekin ab tone karna hai. Tone ke baad kuch aur add ho jayega. But it's very exciting and I feel happy about it.